सो so, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो एक्सिम बैंक है हमारा एक्सिम बैंक उसका क्या रोल है सो so, अगर हम ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें इट सेट अप इन द ईयर 1982 एंड इसका मेन मेन पर्पस क्या था तीन मेन पर्पस थे इसके दैट वाज फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग एंड ये आप फाइनेंस फेसिलिटेट प्रमोट किस चीज को करोगे यू विल फाइनेंस फेसिलिटेट एंड प्रमोट द फॉरिन ट्रेड जो भी इंडिया में फॉरिन ट्रेड है उसको पूरी की पूरी तरह से फाइनेंस करना एक्सपोर्टरों की वगैरह मदद करना फेसिलिटेट करना की सारे फॉरन ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से हो एंड उसको फर्दर जो है प्रमोट करना टू द वर्ल्ड सो ये मेन काम है हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का इट इज़ अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर कॉर्डिनेटिंग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेजड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सो अगर हम बात करें इम्पोर्ट की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की इन सबका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन सबसे सबके रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका कॉर्डिनेशन होना है वो सारा चीज़ें जो है वो सारा चीज़ें करने का काम किसका है इट इज़ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया तो so, अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जिम बैंक की हम बात कर रहे हैं उसका मेन जो है फंक्शन क्या है अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो इसके तीन मेजर फंक्शन है देर आर थ्री मेजर फंक्शन पहला फंक्शन आपका हो गया फाइनेंसिंग का जो सेकेंड पार्ट है जो सेकेंड आपका फंक्शन uh, है दैट इज ऑफ सर्विसेज एंड द थर्ड फंक्शन इज ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस तो एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया का तीन मेन फंक्शन है पहला फंक्शन है उसका फाइनेंस करना सेकेंड फंक्शन अगर हम बोले दैट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड द थर्ड वन इज रिसर्च एंड एनालिसिस तो ये सारे फंक्शन को एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं सो so, जो सबसे मेन पहला फंक्शन है वो फाइनेंस का है फाइनेंस किसको करता है एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट सबको ओके सो नाउ जो एग्जिंग बैंक है वो फाइनेंस करता है एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मशीनरी एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो भी ये एक्सपोर्टर्स को मशीन वगैरह बनाना हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए बनाना हो कंसल्टेंसी के लिए फाइनेंसिंग चाहिए टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए हर चीज के लिए जो है आपको जो है फाइनेंस मिलेगा अगर आपको डेफर्ड पेमेंट रिलेटेड कुछ बात करनी है तो ये सारा चीजें जो है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंस जो होता है आपका प्रोडक्शन स्टेज में भी इवन आपको प्रोडक्शन स्टेज में भी अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है किसी एक्सपोर्टर को तो उस केस में भी जो है यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इसके अलावा को फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ जो है को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया को फाइनेंसिंग में और जो दूर के देशों के जो एजेंसीज है या फिर दूर देशों के जो डेवलपमेंट बैंक है या फिर रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज है वो सारे चीजों के साथ टाई अप करा उन, उन सब के साथ टाई अप करके जो है फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना किसको इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो ये सारा मदद जो है कौन करता है हमारा एग्जिम बैंक करता है तो बहुत सारे लेंडिंग एक्टिविटीज ये करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करता है ताकि इंडियन एंटिटीज जो है इंडियन एंटिटीज जो है और को और ज्यादा जो है प्रमोट कर सके तो एट द एंड ऑफ द डे मेन हमारा काम मेन जो फंक्शन है वो यही है कि हमारे Uh, सारे एक्सपोर्ट और जो बिजनेस है हमारे कंट्री का उनको एक फाइनेंशियली उनको ऐसा ना हो कि पैसों के लिए उन्हें कहीं भागना ना पड़े सो so, पैसे जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम किसका है हमारे एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का है सेकेंड अगर हम सर्विस की बात करें द सेकेंड इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ वो है सर्विस प्रोवाइड करवाना ओके okay? लाइक like, बहुत सारे जो है चैलेंजेस हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है फेस करना पड़ता है जब वो इंटरनेशनली जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल में जब ग्लोबल आप जाते हो तो ग्लोबल में ग्लोबल जाते टाइम जो है ग्लोबल रिस्क रहता है इंटरनेशनल रिस्क रहता है जो कि हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ता है तो हमारा जो ये एग्जिम बैंक है ये वेरियस इंफॉर्मेशनरी सर्विस प्रोवाइड करता है एडवाइजरी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है किसको एक्सपोर्टर्स को तो इसमें जो बहुत सारे स्टडीज हो गया आपका मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज हो गया या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग पे वेरियस एडवाइजरी जारी करना वो सारा चीजें जो है ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं इसके अलावा जो है बहुत सारा डेटा जो कि फंडेड रहता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो कि फंडेड रहता है मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशनस है उन सबका डेटा भी प्रोवाइड ये लोग करवाते हैं तो अगेन ये सर्विसेज की मदद से हमारा जो एक हमारा जो इम्पोर्टर है या फिर हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता ग्लोबल कि भाई ग्लोबल में जो है ट्रेडिंग कैसे चल रहा है बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है किस तरीके से बाहर के वर्क करते कैसे करते मार्केटिंग किस तरीके से करना तो वो सारी चीजें जो है उस समय भी जो है ये बैंक जो है मदद करता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज़ है उसके साथ ना इसके टाइप है एक्सिम बैंक के टाइप है तो वो टाइप की मदद से वो टाइप एग्जिम बैंक का है एंड वो हेल्प जो है किसको होता है उसकी मदद वो हमारा हमारा जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है उसका मदद हो जाता है इससे तो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना मेन एक सेकेंड काम है इसका थर्ड अगर हम एक काम बताएं दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस देखो आर एंड डी करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सो आर एंड डी यहाँ पे बैंक क्या करता है रिसर्च एंड एनालिसिस करता है कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के सेक्टर का ओके okay? जहाँ पे उसको लगता है कि भाई एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है उसको लगता है कि कोई ऐसा एरिया है कोई आई टी हो गया या फिर कोई भी क्लोदिंग इंडस्ट्री टायर का कोई भी कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो कुछ भी अगर उसको लगता है कोई भी ऐसा सब सेक्टर उसको लगता है कि भाई यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है तो उस केस में जो है रिसर्च एंड एनालिसिस करके जो है एक्सपोर्टर्स की जो है यहां पे मदद करते हैं तो यहां पे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हो गया इंडस्ट्री एंड और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इवन गवर्नमेंट तक को जो है वेरियस पेपर्स वगैरह वेरियस बुक्स वगैरह पब्लिश करके देना ये सारा डेटा प्रोवाइड करवाना भी जो है ये एक तरीके से ये लोग करते हैं तो बैंक ये जो बैंक है इट इज डीपली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी विच हेल्प्स इन स्टिम्यटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री तो एट द एंड ऑफ द डे वी वांट डेवलपमेंट ओके वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वो जो हमारा एम है उसमें भी जो है उसको अचीव करने में भी ये जो है एक्जिम बैंक हमारी मदद करता है तो रोल ऑफ एक्जिम बैंक हमने देख लिया एक्जिम बैंक का रोल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मेन उद्देश्य यही था कि फाइनेंस करना फेसिलिटेट करना एंड प्रमोट करना फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इट इन द ईयर 1982। प्रिंसिपल फंक्शनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री जो कि सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंस के लिए फाइनेंसिंग के लिए ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट जो कि कंट्री के अंदर होता है और अगर हम इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो तीन मेजर फंक्शन है इसके पहला मेजर फंक्शन हो गया फाइनेंस का सेकेंड मेजर फंक्शन हो गया सर्विसेज का कि वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करवाना एंड जो थर्ड हमारा मेजर फंक्शन है दैट इज ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस आर एंड डी करना इसका थर्ड मेन फंक्शन है